welcome at Vector Educators. A very warm good morning to you all. स्वागत है आप सभी का Vector Educators के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ स्वाति राठौर. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग वोकैब का ब्रेकफास्ट करते हैं रोज सुबह. तो हम लोग कुछ ऐसे ही वर्ड्स को आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनके मीनिंग क्या है और वर्ड जो दिया जाएगा उसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग क्या है हम वो भी देखेंगे. तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं. पहला वर्ड दिया हुआ है ग्रिसली. ग्रिसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब हॉरिबल. तो इसका ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं. अब देखिए, ऑप्शन पहला है हॉरिबल. अब हॉरिबल तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रिसली का मतलब होता है हॉरिबल, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. दूसरा वर्ड है हमारा ग्रीड. ग्रीड मतलब सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज को पाने का जो सेल्फिश डिजायर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीड, और हिंदी में से बोलते हैं लालच. तीसरा वर्ड है हमारा टेंटेड. टेंटेड का मतलब होता है कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड, मतलब कोई चीज जो खराब हो गई है उसे बोलते हैं टेंटेड. और चौथा वर्ड है हमारा स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट का मतलब होता है स्टर्न, सॉलिड, कठोर. तो यहाँ से हम इन चारों वर्ड्स का मीनिंग जान चुके हैं अब. और ग्रिसली का सही मीनिंग तो मैंने आपको बताई दिया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हॉरिबल. तो आइए अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड अपटिक इज. अब अपटिक का मीनिंग क्या होता है? देखो, अपटिक का मतलब होता है एक छोटी सी वृद्धि, मतलब अ स्मॉल इंक्रीज, एक छोटी सी बढ़ोतरी, इसे बोलते हैं अपटेक. अब इन चारों ऑप्शंस को कंसिडर करो और देखो कि अपटेक का सही आंसर क्या होगा. तो पहला ऑप्शन है हमारा लार्ज. लार्ज का मतलब होता है बिग, बड़ा. दूसरा ऑप्शन है हमारा लेवल. लेवल का मतलब होता है स्तर, ग्रेड जो बोलते हैं. और तीसरा ऑप्शन है हमारा अ स्मॉल इंक्रीज, मतलब एक छोटी सी वृद्धि या फिर बढ़ोतरी. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है अपटिक का. फिर ऑप्शन नंबर 4 देखो. ऑप्शन नंबर 4 है अ स्मॉल डिक्रीज, मतलब एक छोटी सी कमी. तो इन चारों वर्ड्स के हमें मीनिंग पता चल गया और अपटिक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अ स्मॉल इंक्रीज. अगला क्वेश्चन है वोपिंग. वोपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा कुछ. और इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? तो देखो, पहला ऑप्शन है नीड, दूसरा मैसिव, तीसरा टाइनी और चौथा सीवियर. तो नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, जरूरत किसी चीज की. दूसरा वर्ड है हमारा मैसिव. मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा. तीसरा वर्ड है हमारा टाइनी. टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब छोटा. और चौथा वर्ड है सीवियर. सीवियर का मतलब होता है सीरियस, गंभीर. तो यहाँ से वोपिंग का हमको आंसर मिला ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मैसिव. क्योंकि वोपिंग का मतलब क्या होता है? वोपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. और मैसिव का मतलब भी क्या होता है? वेरी लार्ज. तो वोपिंग का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैसिव. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला वर्ड है हमारा लेगअप. लेगअप का मतलब होता है बेनिफिट होना. और चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? देखो, पहला वर्ड है अप्रोच. अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, किसी जगह का एक्सेस या किसी चीज का एक्सेस, इसको बोलते हैं अप्रोच. दूसरा वर्ड है अलायंस. अलायंस का मतलब भी होता है बेनिफिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं भत्ता. जब आपको मिलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलायंस मिलते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी जगह से आपको अलायंस मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, और वो क्या है, वो एक तरीके का बेनिफिट ही तो है आपको. तो अलायंस का मतलब होता है बेनिफिट, भत्ता. तीसरा वर्ड है हमारा एंगेज. एंगेज मतलब टू गेट ऑक्यूपाइड इन समथिंग, किसी चीज में ऑक्यूपाई हो जाना, किसी चीज में संलग्न हो जाना, इस ये होता है एंगेज. और गिव अप मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना. किसी चीज को आपने स्टार्ट तो किया था लेकिन उसको अपने बीच में ही छोड़ दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. तो ये मतलब होता है गिव अप का. तो देखो, यहाँ पे लेग अप का सही आंसर क्या होगा? लेग अप का मतलब होता है बेनिफिट और अलायंस का मतलब भी होता है बेनिफिट. तो लेग अप का सही मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अलायंस. आइए अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है हमारा निफेरियस. निफेरियस का मतलब होता है कुटिल या फिर दुष्ट. और ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में से सही क्या होगा? पहला ऑप्शन है एंटरटेनिंग. एंटरटेनिंग मतलब अम्यूजिंग, एंजॉयबल, उसको बोलते हैं एंटरटेनिंग, और हिंदी में मतलब होता है मनोरंजक. दूसरा वर्ड है वेंडरिंग. वेंडरिंग का मतलब होता है
ट्रैवलिंग एमलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहो, उसको बोलते हैं वेंडरिंग। तीसरा वर्ड है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग, प्रेरणादायक। और चौथा वर्ड है हमारा एविल। एविल का मतलब भी होता है दुष्ट, और निफेरियस का मतलब भी होता है दुष्ट। तो यहाँ से निफेरियस का आंसर मिला हमें ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एविल। आई होप आपको इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो रहे हैं। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला वर्ड है हमारा मॉल। मॉल का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, किसी चीज की बुराई करना, जजमेंट देना अपना किसी चीज के ऊपर, इसको बोलते हैं मॉल। अब इन में से वर्ड्स देखो और बताओ कि इन वर्ड्स में से मॉल का सही आंसर क्या होगा। तो पहला वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी चीज की आलोचना करना, किसी चीज के ऊपर अपना जजमेंट देना, ये मतलब होता है मॉल का। दूसरा वर्ड है हमारा स्किल। स्किल क्या होता है? स्किल का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, मतलब विशेषज्ञता। जब आपके पास कोई स्किल है, मतलब आपके पास वो विशेष एबिलिटी है, वो स्पेशल एबिलिटी है जो शायद किसी और में ना हो, तो इसको बोलते हैं स्किल। और दूसरा वर्ड है हमारा टैलेंट। टैलेंट का मतलब वो क्वालिटी जो कि आपके अंदर प्रेजेंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब आपके जन्म से ही वो क्वालिटी आपके अंदर प्रेजेंट है, ये होता है टैलेंट। मतलब नेचुरल एप्टीट्यूड, वो आपने डेवलप नहीं की, वो नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग टैलेंट। और चौथा वर्ड है हमारा अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करना मतलब किसी चीज को प्रेज करना, किसी चीज का गुणगान करना, ये मतलब होता है अप्रिशिएट का। अब मॉल का मतलब हमने देखा था कि टू क्रिटिसाइज, और यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज क्रिटिसाइज, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज सीख सकते हैं कि स्किल और टैलेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, टैलेंट मैंने बताया था कि नेचुरल एप्टीट्यूड, मतलब वो क्वालिटीज आपकी जो नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट है, और स्किल मतलब वो क्वालिटीज जो आपने एक्वायर की है, वो क्वालिटीज जो आपने सीखी है, सीख के आप उन चीजों को अपने अंदर लेकर आए हैं, उसे बोलते हैं स्किल। और टैलेंट मतलब जो नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको स्किल और टैलेंट के बीच का डिफरेंस अब बहुत अच्छे से क्लियर है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा पुनिटिव। पुनिटिव का मतलब होता है इंटेंटेड एज अ पनिशमेंट, मतलब दंडात्मक। और ये जो चार वर्ड्स दिए हैं, इन चार वर्ड्स में से सही आंसर क्या होगा। पहला वर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, मतलब एडवांटेजियस। दूसरा वर्ड है हमारा डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन, कोई चीज जो अनुशासन से संबंधित है, उसे बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिनरी। तीसरा वर्ड है हमारा रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है गिविंग अ रिवॉर्ड, मतलब पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना किसी को, सम्मानित करना, ये होता है रिवॉर्डिंग। और चौथा वर्ड है हमारा चेंज। चेंज का मतलब होता है मेक डिफरेंस, मतलब अंतर बनाना, डिफरेंस क्रिएट करना, बदलाव लाना, ये होता है हमारा चेंज का मतलब। अब पुनिटिव का सही आंसर क्या होगा। देखो, पुनिटिव का मैंने पहले भी मतलब बताया था इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। तो क्या जब हमें बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, तो क्या हमें पनिशमेंट मिलती है? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 है डिसिप्लिन, मतलब जब हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। और अगर हम अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अनुशासन मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एज अ रिजल्ट हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये ऑप्शन कुछ कुछ मिल रहा है ना पॉजिटिव से, तो शायद ये आंसर होगा। लेकिन आगे और दूसरे ऑप्शंस देखो। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग मतलब पुरस्कृत करना, किसी को रिवॉर्ड देना। अब जब किसी को रिवॉर्ड देते हो, तो क्या उसको पनिशमेंट के तौर पर रिवॉर्ड देते हो? नहीं ना। पनिशमेंट में किसी को रिवॉर्ड मिला है क्या? आज तक नहीं मिला। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है चेंज, मतलब बदलाव लाना, टू मेक डिफरेंस। अब जब आप बदलाव लाओगे, कोई अच्छा बदलाव लाओगे, किसी अच्छे काम के लिए बदलाव लाना है, तो क्या आपको पनिशमेंट मिल रही है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या बचा? सही ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिसिप्लिनरी। तो पुनिटिव यहाँ पे रिलेट कर रहा है डिसिप्लिनरी वर्ड से, ठीक है। तो आई होप कि इन चारों वर्ड्स का मीनिंग पता है आपको, पुनिटिव से कौन सा वर्ड मिल रहा है वो पता है अब आपको। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिबग। डिबग का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एरर्स, मतलब दोष मुक्त होना, गलतियों से दूर होना। अब ये जो चार वर्ड्स दिए हैं, इन चार
वर्ड्स में से सही आंसर क्या है? पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। दूसरा वर्ड है डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हार्म, मतलब नुकसान करना, नुकसान पहुंचाना। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है फियर्स, मतलब भयंकर। और चौथा वर्ड है आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम, मतलब किस चीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसमें से उसको दोष मुक्त करना, मतलब उसके अंदर जो दोष है, उसके अंदर जो गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करना। तो ये मतलब होता है आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम का। अब ये जो डिबग दिया है आपको, ये जो डिबग वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि दोष मुक्त करना, किसी चीज को उसके एरर्स से दूर करना, टू मेक फ्री फ्रॉम एरर्स। तो डिबग का मतलब पता चला हमें ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, मतलब शर्त के ऊपर अपने हथियार डाल देना, ये मतलब होता है कैपिचुलेट का। अब इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? देखो पहला ऑप्शन दिया है फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ाई। दूसरा ऑप्शन है विन, विन का मतलब होता है जीत। और तीसरा ऑप्शन है सरेंडर, सरेंडर कर देना मतलब गिव अप कर देना। और चौथा ऑप्शन है मनी, मनी मतलब कोई मीडियम जिससे हम लोग चीजों का लेन देन करते हो, जिससे हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो, पैसा, ठीक है। तो ये मतलब होता है मनी का। अब कैपिचुलेट का सही आंसर क्या है? कैपिचुलेट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरेंडर। क्योंकि कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है कि गिव अप कर देना ना, शर्त के ऊपर हथियार डाल देना। तो सही आंसर क्या होगा? सरेंडर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरेंडर। अगला वर्ड है हमारा अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है टू डिस्कवर, टू फाइंड आउट, मतलब किसी चीज को खोज निकालना, किसी चीज को ढूंढ निकालना, यह मतलब होता है अनर्थ का। अब इन चार ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिस्कवर, डिस्कवर मतलब टू फाइंड आउट, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को खोजना। तीसरा वर्ड है हमारा बरी, बरी का मतलब होता है टू पुट अ डेड बॉडी इन टू द ग्राउंड, मतलब डेड बॉडी जो होती है ना आपकी, जो आपका मृत शरीर होता है, उसको आप लोग जमीन के अंदर दफना देते हैं, उसको बोलते हैं बरी कर देना, मतलब दफना देना। और चौथा वर्ड है हमारा हाइड, हाइड का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। तो यहां से हमको अनर्थ का मतलब पता चला, अनर्थ का मतलब होता है टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिस्कवर। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी ऐड किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अब जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें पूछे जाने की। तो आई होप आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग अब क्लियर है। अगली बार जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप इनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, एक टिक में सही करेंगे अपना आंसर। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ हम और दूसरे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।